नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो पढ़ने चल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हर जगह पूछा जाता है। तो बेसिकली आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका जो है नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है, और ये आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का नोट्स जो है यहाँ पे बनाया गया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है। और ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको नीचे लिंक दिया जाएगा, और उस लिंक पे आप जाके जो है टेलीग्राम चैनल का बेसिकली लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सीधे जो है मॉनेटरी पॉलिसी हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का जब हम बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी को आइडेंटिफाई करने के लिए या इसके भी पहले हम एक चीज़ ये समझना चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है। तो बेसिकली जब कोई भी कहीं की भी अर्थव्यवस्था काम करती है तो वहाँ पे कभी कभी एक तो सामान्य स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और कभी कभी जो है स्थिति ऊपर या नीचे हो जाती है। तो ऊपर का मतलब और नीचे का मतलब होता है कि स्थिति जो है बैलेंस में नहीं है, गड़बड़ है। तो कभी कभी अर्थव्यवस्था में जो है या तो इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन का अर्थ है महंगाई, और कभी कभी या तो रिसेशन आ जाता है यानी मंदी हो जाती है। अब इन दोनों का अर्थ क्या है? तो वैसे तो ये खुद में स्वयं में काफ़ी बड़े टर्म है, लेकिन अगर सरल शब्दों में समझना चाहें तो रिसेशन का अर्थ होता है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है लोगों के पास, और बहुत ज़्यादा पैसा होने की वजह से वो डिमांड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो डिमांड अचानक से बढ़ जाने की वजह से सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है और फिर चीज़ों के दाम जो है बढ़ जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा महंगाई, और जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। और रिसेशन की हम बात करें तो रिसेशन एक ऐसा समय होता है कि जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास जो रोजगार है या जो खर्चे करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और अर्थव्यवस्था में जो है डिमांड काफ़ी कम हो जाती है जिस वजह से मंदी आ जाती है। और डिमांड कम होने की वजह से जब लोगों के पास डिमांड कम है तो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग अपना प्रोडक्शन शॉर्ट करेंगे। प्रोडक्शन शॉर्ट करेंगे तो फिर जो है उनको जो अन्य लोग हैं काम पे उनको निकालना पड़ेगा, जिस वजह से मंदी आ जाती है, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। ये दो सरल शब्द हैं। अब देखिए, कहीं भी किसी देश में, जो कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो हमारे यहाँ आप जान के चलते हैं सरकार का काम है चीज़ों को मेंटेन रखना, अर्थव्यवस्था पे ध्यान रखना। तो इसके लिए अर्थव्यवस्था सही से काम करे हमारे पास दो फैक्टर हैं, दो चीज़ें हैं जो काम करती हैं, दो फोर्सेस हैं। पहला फोर्स है गवर्नमेंट खुद, सरकार अपने नियुक्तियों के माध्यम से फिजिकल पॉलिसी के थ्रू जो है इस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, जिसमें रिसेशन अगर आया है तो उसको आगे कैसे बढ़ाएं, बूम पे कैसे लाएं, और अगर महंगाई आ गई है तो उसको कम कैसे करें। एक तो ये, दूसरे तरफ सरकार का ही एक हिस्सा आप कह सकते हो जो हमारा है, और वो भी इंडिविजुअल अपना अलग स्तर पे काम करता है, सरकार अलग काम करती है और उसका कार्य करने का तरीका अपना अलग है, लेकिन वो देश के हित को ध्यान में रखते ही काम करती है, और उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। वही RBI इसी इन्फ्लेशन, रिसेशन और अर्थव्यवस्था में जो है उसको सामान्य बनाए रखने में, पैसे का फ्लो, क्रेडिट, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कुछ नीतियाँ बनाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, जिन पॉलिसीज को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। वैसे भी अगर शॉर्टकट अगर आपको समझना हो याद करने के लिए, तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में मनी आपको शब्द मिल रहा है, और मनी छापने का काम कौन करता है? RBI। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। अब हम इसकी एक डेफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी बाय सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू फुलफिल द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी क्या है, ये कह रहे हैं कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है, RBI बेसिकली कंट्रोल्स सप्लाई ऑफ मनी। अब ये सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? देखिए भैया, RBI पैसा छापता है और बैंक्स के माध्यम से उसको जो है सर्कुलेट करता है। तो यही हमने बताया कि ये जो पैसे का फ्लो है, सप्लाई है, पूरे बाजार में कितना पैसा टहल रहा है। टहलने का मतलब जिसको आप कह दो मार्केट में है, और ना टहलने का मतलब, ना टहलने का मतलब कि आप खर्चा नहीं कर रहे, उसको बचत के तौर पे या किसी तौर पे आप उसको बैंक्स में जमा कर दिए हो, इसका मतलब आप उस पैसे से डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे हो। ठीक, तो हमको यही करना होता है कि पैसा हमारा ही रहता है, हमारे पास ही रहता है, वो कहीं गायब नहीं हो जाता है। लेकिन जो है सरकार ये कोशिश करती है कि वो पैसे से डिमांड क्रिएट करवानी है या उस पैसे से डिमांड नहीं क्रिएट करवानी है, ये इस चीज पे निर्धारित करता है। तो
तो सबसे पहले हम जो दो चीजें समझे थे, इन्फ्लेशन और रिसेशन, इन्फ्लेशन और रिसेशन, रिसेशन। और ये इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और तंगी। अब तंगी मंदी इसको आप जो भी बोलो। अब देखो इन्फ्लेशन में होगा क्या, मोर मनी सप्लाई, लोगों के पास जो है पैसा ज्यादा है और बाजार में पैसा ज्यादा टहल रहा है। और इधर क्या है, लेस मनी सप्लाई। अब देखो आरबीआई का बड़ा सिंपल सा जो फंडा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, वो यही करना है कि हमको बैलेंस मिलाना है। यानी अगर ज्यादा है तो ज्यादा ना हो, कम है तो कम ना हो, बैलेंस पे रहे। तो सीधी सी बात है कि आरबीआई क्या चाहेगी कि अगर ज्यादा मनी सप्लाई है तो ज्यादा मनी सप्लाई को किसी तरीके से कम कर दिया जाए, और अगर कम मनी सप्लाई है तो उसको बढ़ा दिया जाए। सीधे यही काम करना है। यानी आपको पैसे से यहाँ क्या है, यहाँ पे आप पैसा कम करोगे जिससे कम डिमांड क्रिएट हो, और यहाँ आप पैसे को बढ़ाओगे जिससे ज्यादा डिमांड क्रिएट हो। डिमांड क्रिएट होगी तो फिर चीजें क्या है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो है हमारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। यही एकदम सरल शब्दों में इसका कार्य है। अब ये कार्य करती कैसे है वो एक अलग चीज है, वही टूल्स है बेसिकली। तो हमने देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई को मैनेज करती है। अब मनी सप्लाई क्या है ये भी हमने बता दिया। मनी सप्लाई का मतलब मार्केट में जो पैसा टहल रहा है वही मनी सप्लाई हमारा है। अब हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीजें हैं, मनी सप्लाई भी है, और एक इसको और टर्म हम थोड़ा ब्रॉडर करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं तो हमको दिखेगा, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी बताना है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी है इधर, और इधर जो है हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। है यही, इसी का ही ये पार्ट है, लेकिन हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समझ में आए। क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय लोन्स, सॉरी बैंक्स, जैसे लोन वगैरह एग्जांपल हैं। अब देखो क्रेडिट कंट्रोल एक शब्द आता है, और क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू हम जो है काम करना शुरू करेंगे। अब ये क्रेडिट कंट्रोल है क्या, इसको समझ लेते हैं तो आगे और चीजें समझने में आ जाएंगे। तो देखिए क्रेडिट कंट्रोल जो शब्द है, क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली हमारा है मैनेजिंग द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय बैंक। यानी बैंक्स जो क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं उसको मैनेज करना। बैंक्स क्या क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं, तो आप सबको पता है कि बैंक्स जो है लोगों को लोन देती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, तो ये हमारा जो मैनेज करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्रेडिट कंट्रोल के, इसके जो है उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य हैं फिर से वही जो है आएंगे, आप इसको सुनते चलिए। बाकी नोट्स आपको जो है टेलीग्राम का लिंक होगा नीचे, वहां पर मिल जाएगी। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन इंटरनल प्राइस लेवल, यानी जो आपका इंटरनल प्राइस लेवल है उसको जो है स्टेबल करना। मेकिंग इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेसफुल, जो देश की जो है इकोनॉमिक प्लानिंग होगी वो सफल हो, जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसमें कामयाब हो। ये स्टेब्लिशिंग स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं हमारे, जैसे करेंसी का अपना जो भी एक्सचेंज रेट है वो जो है उसमें स्टेबिलिटी हो, और वो कोई जो है ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, कि आज जैसे डॉलर के कंपेयर में रुपीज अगर 75 है तो पता चला अगले महीने 85 हो गया, फिर एक दिन जो है 65 पे ही आ गया। तो ये जो है इनस्टेबिलिटी ना हो, इससे काफी नुकसान होता है ट्रेड वगैरह में, तो ये स्टेबल रहे। फिर है कंट्रोलिंग ट्रेड साइकिल्स और फिनेंसिंग अरेंजमेंट फॉर वॉर, तो ये सारी चीजें इसके उद्देश्य हैं। अब सीधे इन सब चीजों को छोड़ के हम जो मेन पॉइंट है हमारा कि क्रेडिट कंट्रोल जो होता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी है बेसिकली, वो कैसे काम करती है, उसके टूल्स क्या क्या हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल या हम कह सकते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये टूल्स हमको देखने हैं। अब ये टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या होंगे, तो टूल्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास भाई साहब एक क्वांटिटेटिव होंगे और एक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और दूसरा होंगे क्वालिटेटिव। अभी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव यानी जिसमें नंबर्स वगैरह होंगे, क्वालिटेटिव यानी जो आप कह सकते हो कि सब्जेक्टिव चीजें होंगी, और क्या है कैसे हैं वो भी हम समझ जाएंगे। देखिए इसमें जो इंक्लूड होती है, पहले उनकी हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो जो पहली चीज इसमें है, बैंक रेट है,
बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेशियो नहीं रिजर्व भी कह सकते हैं, रिजर्व। ये हमारे पास चार पॉइंट्स हैं, और क्वालिटेटिव्स में जो हमारे पास हैं वो आएंगे रेशनिंग, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, उसके बाद मोरल सुएशन, हमारे पास मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली मैं अपने तरफ से जो शॉर्टकट बनाया, शॉर्टकट क्या समझने के लिए, क्वालिटेटिव को हम कह सकते हैं कि अगर इसको सीधे हम बोलें तो क्वालिटेटिव का मतलब हो जाएगा कि जो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या है अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, यही जो है यहाँ पे हमारा काम करती हैं क्वालिटेटिव के रूप में। तो ये हमारे पास जो इतने टूल्स हैं इसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी हमारी काम करती है, जिसमें क्वालिटेटिव अलग हो गए, क्वांटिटेटिव अलग हो गए। अब हम इसको पढ़ेंगे, और एक चीज और ध्यान देके चलना है कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें जो डेटा तैयार किया गया है आरबीआई की खुद की वेबसाइट से और कुछ अलग जगह से जो है अच्छी ऑथेंटिक वेबसाइट से जो है लेके डेटा तैयार किया गया है, जिससे मिस्टेक्स ना के बराबर हो। तो एक चीज जो कॉमन पता लगे, जैसे कई लोग बैंक रेट और रेपो रेट में कंफ्यूज होते हैं, तो बैंक रेट रेपो रेट अलग अलग चीजें हैं। तो बैंक रेट और रेपो रेट को भी हम समझ लेंगे कि क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस है, और बाकी ये सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं कि कैसे काम करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक का आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे जो है शुरू किया जाए। तो पहला पॉइंट अब जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो बैंक रेट है, और बैंक रेट बेसिकली क्या है। तो बैंक रेट देखिए, बैंक रेट सिंपली हम जो कहते हैं कि ऐसा रेट जिस रेट पे जैसे आरबीआई बैंक्स को लोन देती है, ठीक है। बैंक्स को अगर लोन प्रोवाइड कर रही है किसी रेट पे, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ, मतलब अगर लोन प्रोवाइड कर रही है तो कुछ ना कुछ जो है चार्ज करेगी। तो जो परसेंटेज चार्ज करेगी वही हमारा जो रेट चार्ज करेगी इंटरेस्ट, वही हमारा क्या है बैंक रेट है। अब इसको ध्यान देना है, सिंपली क्या कह सकते हैं, द रेट ऑन विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू बैंक, द रेट ऑन विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू बैंक्स। अब एक चीज ध्यान देने की बात है यहाँ भाई साहब, ये जो जो रेपो रेट और बैंक रेट है, सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे यही है कि रेपो रेट में भी जो है इसी तरीके का काम होता है कि जो बेसिकली बैंक्स होती हैं वो आरबीआई से पैसा लेती हैं। लेकिन बैंक रेट और रेपो रेट में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है, आपको नोट्स में और क्लियरली मिल जाएगा ये पूरा जो है, टेलीग्राम का चैनल नीचे लिंक दिया होगा आप देखेंगे, कि जो हमारा बैंक रेट है बेसिकली बैंक रेट में कोई भी कोलेट्रल नहीं लगता है, और बैंक रेट जनरली थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं, ठीक। यानी बैंक रेट के केस में, दोनों केस में बैंक रेट में और रेपो रेट में जो है आरबीआई से बैंक्स पैसा लेंगी। डिफरेंस क्या है, बैंक रेट में जो है कोलेट्रल की जरूरत नहीं होगी और थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए होगा, रेपो रेट में जो है आपको सिक्योरिटीज को बेच के जो है अपनी, और उसके बाद लोन लेती हैं बैंक्स, और जनरली ये एक रात दो रात तीन रात, मतलब बहुत छोटे टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए होता है। और रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन, यानी जो अपनी सिक्योरिटीज बेच के इन्होंने लोन लिया है उसी को फिर ये जो है वापस पैसा जब लौटाएंगी तो बैंक से क्या करेंगे, बैंक क्या करेंगी, आरबीआई से अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेंगी। तो इसीलिए इसका रीपर्चेज ऑप्शन नाम पड़ा हुआ है। तो रेपो रेट और बैंक रेट में यही अंतर है, और बैंक रेट का जो मॉनेटरी पॉलिसी पे है वो ज्यादा इम्पैक्ट है, या ये कह सकते हैं कि पूरा इम्पैक्ट है। और रेपो रेट का जनरली इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं इंक्लूड होती है, क्यों, क्योंकि ये एक दो तीन या बहुत शॉर्टर टर्म के लिए जो है ये लिया जाता है, और इसके जो भी कॉस्ट या इफेक्ट होता है वो बैंक खुद ही मैनेज कर लेती है, इसको कस्टमर्स पे पड़ने नहीं देती है। तो जब कस्टमर्स पे कोई भी चीज अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है ही क्या कि कस्टमर्स को, यानी जो जनता है, आम जनता, उसके बीच की चीजों को बैंक के थ्रू जो मैनेज करे।
इसलिए ये हमारा बैंक रेट और रेपो रेट का हमारा जो है डिफरेंस हो गया, और हमारा आपने समझ लिया कि क्या है ये, अगर हम कह सकते हैं कि आरबीआई है और इधर क्या है, बैंक्स हैं अलग अलग, एसबीआई, पीएनबी, अदर बैंक्स। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो है लोन दे देगी किसको, इन बैंक्स को दे देगी। ये बैंक्स कौन सी हैं, ये बैंक्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स। कौन है भाई साहब, कॉमर्शियल बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक्स हैं, पैसा गया, पैसा मतलब लोन। अब इस पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन ही क्या है हमारा, बैंक रेट है। ठीक, तो भाई साहब ये है बड़े सिंपल टर्म में, आप समझ सकते हो कि आरबीआई के पास से कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसा गया, और वो पैसा क्या है, वो पैसा लोन है, और इस लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसी को हम बोलते हैं बैंक रेट। और यहाँ पे कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं है, क्या है, कोलेटरल की जरूरत नहीं है, कोलेटरल नहीं है। तो ये बैंक रेट हमारा हो गया। बैंक रेट के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, अब इसको थोड़ा एक स्तर में समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन और रिसेशन में क्या होगा। तो हमारे पास दो सिचुएशन होती है, एक होती है इन्फ्लेशन की और एक होती है रिसेशन की। तो देखते हैं कि देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब भाई साहब होगा कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है। तो इकोनॉमी में जब पैसा ज्यादा है तो सरकार यानी यहाँ आरबीआई क्या चाहेगी कि इकोनॉमी में पैसा कम हो। तो इकोनॉमी में पैसा कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरबीआई सोचेगी कि लोन को महंगा कर दें। लोन को जब महंगा कर देंगे तो लोग कम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जरूरत की चीजों के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है अननेसेसरी डिमांड्स वो कम हो जाएंगी। जैसे आप मान के चलो कि फोर व्हीलर्स की सेल है, ठीक है, जरूरी नहीं फिर भी हम ले रहे हैं चूंकि चीपर रेट पे मिल जा रहा है। अगर रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है भाई अभी जब जरूरत पड़ेगी तब हम लेंगे। इस तरीके से पूरे इकोनॉमी में ओवरऑल चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मान के चलो कि इस केस में ये क्या करेंगे, बैंक रेट को अप कर देंगे। बैंक रेट को अप किए तो अब चूंकि आरबीआई से ही पैसा महंगा मिल रहा है तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट को बढ़ा देंगी ताकि वो प्रॉफिट में रह पाए, और इस वजह से अल्टीमेटली कस्टमर्स को जो लोन महंगा मिलेगा तो वो डिमांड कम कर देंगे। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट जो है, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है जब हमारा रिसेशन है तो रिसेशन में क्या है कि बैंक रेट को जो है हम डाउन कर देंगे ताकि जो है लोन सस्ता हो जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लें और डिमांड क्रिएट करना शुरू करें और इससे इकोनॉमी जो है कवर कर पाए, तो मनी सप्लाई हमारा जो है यहाँ अप हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कुछ ये काम करता है हमारा बैंक रेट। फिर हम देख पाएंगे कि आगे हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कैश रिजर्व रेशियो है, ज्यादा चीजें हैं नहीं, तो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, तो बेसिकली आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बाइज और सेल्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स ईटीसी। यानी आरबीआई क्या करती है, आरबीआई एक काम करती है कि आरबीआई जो है हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो होंगी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज नहीं, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होंगी उनको जो है बेचना शुरू कर देगी। और जनरली इसमें कई चीजें जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जो है इंक्लूडेड होती हैं। ठीक, अब जो है हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो है, फिर वही दोनों सिचुएशन लेके चलते हैं, इन्फ्लेशन की और इन्फ्लेशन और रिसेशन। अब देखो इन्फ्लेशन में फिर मनी सप्लाई ज्यादा होगा और इसमें जो है मनी सप्लाई ज्यादा है, कम है, पैसा ज्यादा है और पैसा कम है, रिसेशन का यही मतलब है। ठीक, अब
हम करेंगे क्या, हम चाहेंगे कि पैसा यहाँ ज्यादा है तो पैसा कम हो जाए और यहाँ पैसा कम है तो पैसा बढ़ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आरबीआई क्या करेगी कि अगर लोगों के पास पैसा जो है ज्यादा है, तो लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा है तो आरबीआई इसके माध्यम से क्या चाहेगी कि उसके पैसे जो है कम हो जाए। तो लोगों के पैसे कब कम हो जाएंगे कि जब आरबीआई जो है सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करेगी। आरबीआई कहेगी आओ भैया सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी ले लो। लोग लेंगे क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है सिक्योरिटीज पे, इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं जो है उनको फायदा मिलेगा। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो ब्याज मिलता है, यानी आपका पैसा बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो लोगों को फायदा है। तो आरबीआई क्या कहेगी भैया सिक्योरिटीज ले लो। तो जब सिक्योरिटीज वो ऑफर करेगी तो लोग जो है जाके उसको परचेज करने लगेंगे, और जब परचेज करेंगे तो सिक्योरिटी के बदले पैसे देंगे। तो सिक्योरिटी लिए और पैसे दिए तो लोगों के पास से क्या है पैसा जा रहा है। जब लोगों के पास से पैसा जाएगा तो उनके पास क्या है मनी सप्लाई कम हो गई, और जब मनी सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन हमारा जो है क्या है यही तो काम है कि हमको पैसा ज्यादा है पैसे को कम करना है। तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई क्या काम करना शुरू कर देगी, तो बेसिकली इसमें आरबीआई जो है ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी को ये बेचना को शुरू कर देगी, सेल। और सेल करेगी तो सेल करने की वजह से जो मनी है आपका वो जो है वो डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगी कि जब जो है रिसेशन है तो आरबीआई कहेगी कि भैया जो सिक्योरिटीज हैं लाओ उसको हम खरीद ले रहे हैं, हम सिक्योरिटी खरीद रहे हैं तो पैसे देंगे। तो यानी लोगों से सिक्योरिटी लिया और लोगों को पैसा दिया तो सिक्योरिटी आई और लोगों के पास पैसे गए, तो लोगों के पास पैसे गए तो यहाँ पैसा कम है, तो फिर इससे क्या हो जाएगी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस केस में क्या करेगी आरबीआई, परचेज, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा मनी जो है आपका मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे चीजें काम करती हैं। अगला है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। अब दो इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसको भी बता देते हैं। कैश रिजर्व रेशियो हमारा, कैश रिजर्व रेशियो इसको हम बोलते हैं CRR शॉर्टकट में, और ये हम पढ़ते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या है। तो बेसिकली क्या है कि बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते हैं, लोग अपना पैसा बैंक के पास जाते हैं जमा करते हैं, तो आरबीआई कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है इस पैसे को कभी अचानक से डिमांड हो तो आप ना दे पाओ, इसलिए हम एक नियम बना देते हैं कि आपके पास जो भी पैसे आएंगे उस पैसे का एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या है आपको रिजर्व के रूप में हमारे पास रखना होगा, हमारे यानी आरबीआई के पास। यानी क्या हुआ, बैंक्स अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा रिजर्व के तौर पे आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, CRR यही है हमारा। और अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो आप देखो बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है वो है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स व्हिच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विथ दी आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व और बैलेंस। रिजर्व या बैलेंस के रूप में रखना है। यहाँ पे भैया आपका क्या है, बैंक्स है, क्या है बैंक्स, बैंक्स के पास क्या है डिपॉजिट, और डिपॉजिट का क्या है, डिपॉजिट का एक हिस्सा, एक हिस्सा यानी कुछ पार्ट होगा, उस पार्ट को क्या करना है एज रिजर्व, एज रिजर्व ये क्या करेंगी एज रिजर्व ये दे देंगे किसको, आरबीआई को, किसको दे देंगे आरबीआई के पास। यानी ये क्या है, डिपॉजिट का एक हिस्सा रिजर्व के तौर पे आरबीआई के पास जो है बैंक्स रख देती हैं, और इस रेट को कौन बताता है कि वो हिस्सा कितना होगा, इस रेट को जो है आरबीआई ही बताती है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखो भाई फिर दोनों सिचुएशन हम लेते हैं, इन्फ्लेशन और जो है रिसेशन। तो इन्फ्लेशन में अगेन पैसा ज्यादा है पैसा कम करना है, और रिसेशन में पैसा कम है पैसा ज्यादा करना है। तो जब हमारे पास महंगाई है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो उनको पैसा कम करना है, तब हम इस केस में क्या कहेंगे, हम बैंक के को कहेंगे कि अपना रिजर्व हमारे पास बढ़ा दो, यानी कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको बढ़ा देगी, और बैंक को अब पहले से ज्यादा पैसा क्या है आरबीआई के पास रिजर्व के तौर में रखना पड़ेगा। और जब बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व के तौर पर रखना पड़ेगा तो बैंक के पास लोगों को लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है वो डाउन हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा जो रिसेशन है, लोगों के पास कम पैसा है, लोगों के पास कम पैसा जब है तो लोगों के पास पैसा हमको पहुंचाना है,
तो इस केस में आरबीआई कहेगी कि भैया हमारे पास जो रिजर्व रखा है हम उसको कम कर रहे हैं, रिजर्व लेके जाओ और लोगों को लोन देना शुरू करो। तो इस केस में क्या होगा कि कैश रिजर्व रेशियो को जो है आरबीआई वो डाउन कर देगी और इस वजह से जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो क्या है बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बैंक्स के पास पहले से ज्यादा पैसा है लोन देने के लिए। तो इस तरीके से कुछ ये काम करेगा। और अब आखिरी पॉइंट हम जो पढ़ लेते हैं वह है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व SLR, और CRR और SLR को मिला के जो है हम कई बार जो बोलते हैं वो टर्म आता है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट। चूंकि देखो इसमें भी रिजर्व है उसमें भी रिजर्व है और ये क्या है ये रिक्वायरमेंट्स हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं तो बदलती रहती हैं हमेशा, इसलिए इनको वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अब हमारे पास जो चौथा पॉइंट है अब आप यहाँ पे एक शब्द ध्यान देना, लिक्विडिटी शब्द दिया है। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो लिक्विड असेट्स पढ़ा होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश और गोल्ड को लिक्विड और लिक्विड में भी एसिड असेट्स माना जाता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब हम क्या समझेंगे, लिक्विडिटी का यहाँ पे साफ साफ मतलब कैश प्लस गोल्ड से है, किससे है कैश प्लस गोल्ड से यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब हमारा है। गोल्ड को भी आप तुरंत या गोल्ड वैसे भी आप अगर मनी हाइस्ट वगैरह देखे होंगे बाकी सीरीज या जितनी भी बैंक्स हैं या पहले का भी आप सिस्टम देखोगे तो जो रिजर्व वगैरह रखते थे करेंसी वगैरह नोट वगैरह छपती थी उन सब के पीछे जो हम बेस बनाते थे वो गोल्ड होता था। गोल्ड ही मेन स्टैंडर्ड था क्योंकि गोल्ड की वैल्यू हर जगह रहती है, बराबर ही गोल्ड हर जगह कीमती है। इस बेसिस पे लोग गोल्ड के बेसिस पे काम करते थे। अगर और पहले इकोनॉमी में जाएंगे तो बुलियन वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे, खैर उतनी डिटेल में नहीं जाते हैं यहाँ पे, अभी इतने ही पे ही हम काम करते हैं अपना। तो आप स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो या रिजर्व हमारा क्या है, तो बेसिकली ये रिजर्व हमारा जो है परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट द कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स और गोल्ड लिक्विड असेट्स, यानी जो इनके पास जो है टोटल डिपॉजिट्स हैं ठीक है, उस डिपॉजिट का एक हिस्सा, टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा बैंक्स को अपने पास रखना है। ध्यान रखना CRR में क्या था कि आरबीआई के पास रखना था और यहाँ पे आरबीआई के पास नहीं रखना, यहाँ पे बैंक्स को अपने पास ही रखना है। और किस फॉर्म में रखना है, बैंक्स को खुद उनके पास रखना है लिक्विड असेट्स यानी कैश रिजर्व या गोल्ड में, इन दो चीजों के फॉर्म में रखना है। अब ये काम कैसे करेगी फिर हम देख लेते हैं, इन्फ्लेशन और रिसेशन। अब देखो यहाँ इन्फ्लेशन में पैसा ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं तो पैसे को कम करना है, और जब पैसे को कम करना है हमको तो सीधी सी बात है कि हम SLR को बढ़ा देंगे, यानी ज्यादा रिजर्व जब रखना है, रिजर्व का बढ़ा दिया हमने, अब बैंक को अपने पास पहले से ज्यादा रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। जब पहले से ज्यादा रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा तो जनता को लोन देने के लिए उनके पास कम पैसा बचेगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे SLR जो है इन्फ्लेशन में हम इसको बढ़ा देंगे जिससे जो मनी है उसकी सप्लाई क्या है कम हो जाएगी, और रिसेशन में हम SLR को कम कर देंगे जिससे बैंक के पास ज्यादा पैसा बचे लोन प्रोवाइड कराने को, और जब ज्यादा पैसा बचेगा लोन प्रोवाइड कराने को तो ज्यादा पैसा ये देंगे और मनी सप्लाई जो है बढ़ जाए जी। इस तरीके से कुछ काम करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्वालिटेटिव मेजर्स हमने पढ़ लिए। अब हम आते हैं लास्ट अपने पॉइंट पे जो कि है हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स। इसके बाद हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है मोटे तौर पे ये हमारा समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। और मॉनेटरी पॉलिसी को हम देख लेते हैं, सॉरी क्वालिटेटिव हम इधर को देख लेते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स को। क्वालिटेटिव मेजर्स में हमारे पास जो तीन चीजें हैं उसको हम बता देते हैं। तो हमारे पास पहला रेशनिंग ऑफ क्रेडिट है, तो जब हम बात करते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट की तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है कि आरबीआई फिक्सेस अपर क्रेडिट लिमिट एंड बैंक्स हैव टू स्टिक दैट लिमिट, इट मैनेजेस क्रेडिट एक्सपोजर टू अनवांटेड सेक्टर्स। यानी आरबीआई क्या करेगी कि एक मैक्सिमम लिमिट बना देगी कि आप इतने लिमिट तक ही पैसा दे सकते हो। मान के चलो कि आरबीआई ने कह दिया कि भैया ये रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में कि
आप सिर्फ 1 करोड़ तक का लोन दे सकते हो। जब बैंक्स को पता है कि हम सिर्फ 1 करोड़ तक का लोन, तो बैंक्स को जब पता है कि सिर्फ 1 करोड़ तक का लोन देना है तो उस हिसाब से काम करेंगे अपर लिमिट, और उसमें जिसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके सीधे देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हमारे पास फिर दो सिचुएशन लेते हैं, एक लेते हैं हम इन्फ्लेशन की और दूसरा जो है रिसेशन। देखो फिर पैसा ज़्यादा है इन्फ्लेशन में, हमको पैसा कम करना, और जब पैसा कम करना है तो हमारे पास सिंपल तरीका क्या है कि हम जो अपर क्रेडिट लिमिट है, ठीक है, अपर क्रेडिट लिमिट, इसको क्या करे बैंक, इसको बैंक रिड्यूस कर दे। जब लिमिट कम हो जाएगी तो अब कम पैसे में ही बैंक्स को लोन देना है, तो बैंक्स जो जरूरतमंद सेक्टर होंगे सिर्फ उन्हीं को लोन देगी। तो इससे क्या है कि हमारा जो मनी सप्लाई है वो क्या है, वो भी डाउन हो जाएगा। और जब रिसेशन है, मंदी है, तो हम अपर क्रेडिट लिमिट को जो है बढ़ा देंगे, तो बैंक्स के पास अब जो है लोन देने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो वो जो है अब ज्यादा लोन दे पाएगी। अब बात करते हैं मोरल सिचुएशन की। तो मोरल सिचुएशन में हम देख पाएंगे कि हमारे पास जो है, मोरल सिचुएशन मींस सजेशंस फ्रॉम आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक्स, इन मतलब सजेशंस देती है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को कि ये भैया सजेशंस है, इस हिसाब से आपको फॉलो करना है। इन इन्फ्लेशन आरबीआई इंप्लाइज प्रेशर ऑन कॉमर्शियल बैंक्स टू फॉलो नॉर्म्स, यानी जब आपके पास इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन है तो आपको पैसा कम करना है, तो आरबीआई सख्ती दिखाएगी कि भैया ज्यादा से ज्यादा सख्त रहो, जिससे कि जो है सख्ती की वजह से थोड़ा लोन वगैरह कम हो पाए। और जब आरबीआई कैन इशू गाइडलाइंस सजेशंस टू कॉमर्शियल बैंक्स, गाइडलाइंस सजेशंस वगैरह इशू करती है, नॉर्म्स वगैरह फॉलो करना है, और जब मंदी है तो इसके ठीक विपरीत काम होते हैं। हालांकि नॉर्म्स कंडीशंस को पूरी तरीके से बाईपास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यह है कि एक रिलैक्स्ड वे में काम चलता है, जो उसकी थोड़ा ईजी होता है। और फिर लास्ट पॉइंट है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, दैट प्रोपोर्शन ऑफ लोन अमाउंट विच इज नॉट ऑफर्ड बाय द बैंक। इन मतलब ये है कि आपके पास जो है जो कंप्लीट लोन अमाउंट है, मान के चलो कि बैंक के पास लोन देने के लिए 1 करोड़ रुपए है, तो वो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए लोन नहीं दे देती, कुछ मार्जिन रखती है। मार्जिन का मतलब कुछ हिस्सा सुरक्षित रखती है कि इसको लोन के रूप में नहीं दे रहे हैं। तो वो हिस्सा हो सकता है कि मान के चलो कि अगर 1 करोड़ रुपए है तो 10 लाख रुपए बैंक अपने पास मार्जिन के रूप में रख रही है और बाकी 90 लाख रुपए लोन दे रही है। तो यही सेम तरीके से कि जब इन्फ्लेशन और रिसेशन होगा, एक इन्फ्लेशन है और एक रिसेशन है, तो इन्फ्लेशन में हमको कम से कम जो है लोन देना है, तो जब लोन हमको कम देना है तो आरबीआई गाइडलाइन दे सकती हैं, बैंक्स फॉलो कर सकती हैं कि जो मार्जिन है इस मार्जिन को बढ़ा दें। तो जब मार्जिन बढ़ जाएगा तो अब पहले 1 करोड़ में से सिर्फ 90 लाख रुपए दे पा रहे थे, अब उससे भी कम हो जाएगा, हम मार्जिन बढ़ा दिए, मान चलो 85 लाख कर दिए, 15 लाख का मार्जिन हो गया, 10 लाख से 15 लाख का मार्जिन कर दिया, तो लोन के लिए मात्र 85 लाख बचे पहले के कंपेयर में, 90 लाख कंपेयर में, तो मनी कम हो गया। और रिसेशन में ठीक उल्टा हो जाएगा कि मनी को बढ़ाने के लिए हमको मार्जिन क्या करना पड़ेगा, मार्जिन को यहाँ कम करना पड़ेगा। तो मार्जिन जब हम कम करेंगे, यानी अगर मान चलो 15 लाख मार्जिन है, सिर्फ 10 ही लाख कर दें, तो 5 लाख जो मार्जिन कम हुआ है वो लोन के लिए एक्स्ट्रा अवेलेबल हो गया है, तो जिससे कि मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। कुछ इस तरीके से आरबीआई की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो बेशक से जो है आप जो है लाइक कर सकते हैं, या कमेंट वगैरह अगर इच्छा हो, अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी। धन्यवाद।